मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जल्द ही सूरत बदलने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल में बढ़ते ट्रैफिक और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने बड़े तालाब में रोपवे और रोपेक्स चलाने का विचार कर रही है, ताकि लोगों का समय और पैसा बच सके। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का प्रस्ताव शनिवार को भोपाल में आयोजित बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सीएम मोहन को दिया गया। इतना ही नहीं, बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े तालाब में जल यातायात शुरू करने का भी सुझाव दिया। जल यातायात और रोपवे शुरू होने से प्रदेशवासी महज 10 से 15 मिनट में भदभदा से बैरागढ़ पहुंच सकेंगे। फिलहाल राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर रोपवे और केबल कार चलाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। बता दें, देश में पहला जल यातायात मुंबई में शुरू किया गया था, तो वही मुंबई, गुजरात और उड़ीसा के तर्ज पर भोपाल में रोपवे शुरू किया जा रहा है। इससे लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी, साथ ही सड़क में दबाव घटेगा और समय की भी बचत होगी।